नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। राजनीति में आज बात देश के नाम पीएम मोदी के संबोधन की। कोरोना संक्रमण और चीन से एलएसी पर चल रहे विवाद के बीच पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया है। पीएम ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने गरीबों की मदद के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। हालांकि पीएम के संबोधन से पहले राहुल गांधी ने मांग की थी कि सरकार गरीबों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करे। सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहीं चीन के साथ चल रहे विवाद को देखते हुए उम्मीद ये भी थी कि पीएम इस विवाद पर कुछ बोलेंगे, लेकिन पीएम इस विवाद पर भी कुछ नहीं बोले। पीएम के संबोधन के केंद्र में गरीब कल्याण अन्न योजना रही, लेकिन सवाल यह है कि क्या आज पीएम ने जो ऐलान किया है गरीबों की मदद के लिए वो काफी है। इस मुद्दे पर हम अगले आधे घंटे चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय, जो कि बीजेपी के नेता हैं, प्रशांत टंडन वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मेराज अहमद राजनीतिक विश्लेषक और साथ ही कुर्बान अली वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको सुनवाते हैं पीएम के ऐलान और विपक्ष की मांग। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है। न्याय योजना जैसी एक योजना लागू कीजिए, परमानेंट ना, 6 महीने के लिए चलाइए। हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में 7,500 रुपए महीने का डालिए। इससे डिमांड क्रिएट होगा, अर्थव्यवस्था फिर से चालू होगी। सरकार ने मना कर दिया, एक बार नहीं 3-4 बार उन्होंने मना किया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी, आपसे मेरा पहला सवाल है। 16 मिनट का संबोधन, राष्ट्र के नाम संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन ऐसा अनाउंसमेंट में कुछ आपको क्या खास दिखता है जिसके लिए प्रधानमंत्री को आना पड़ा? एड्रेस टू द नेशन के वाली बात आपको क्या दिखती है? क्योंकि अगर अनाउंसमेंट है तो गरीब कल्याण जो अन्य योजना है उसका विस्तार नवंबर तक किया गया है, ये तो कोई भी मंत्री आकर कह सकता था और कर सकता था। देखिए, जो 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 जो, जो अनाउंसमेंट नहीं हुआ, मैं उसके बारे में पहले बात करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग और भारत का हर नागरिक इस बात का इंतजार कर रहा था कि आज जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो चाइना के बारे में वो क्या कहते हैं। देश सुरक्षा का मामला है, हमारे पास से और तमाम सूत्रों से खबरें आती हैं, आ रही हैं। खुद एमईए ने भी कहा दिया है कि चाइना ने हमारे एरिया का अतिक्रमण किया है। तो ऐसे समय प्रधानमंत्री का कुछ ना कह, चाइना के बारे में कुछ भी ना बोलना, एक बड़ा नकारात्मक संदेश दुनिया को जाता है और ये जाता है कि प्रधानमंत्री चाइना के बोलने में कतरा रहे। ये एक बड़ा, मतलब मुझे बड़ी उम्मीद थी और पूरे देश के नागरिकों को उम्मीद थी, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता देश के हर नागरिक की सख्त अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर है। और हमारे 20 को की जाने भी गई हैं इसमें जी। और तो यह सबसे बड़ा था जो कि प्रधानमंत्री ने नहीं किया। दूसरा, जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया, आप मुझे बताइए कि 5 किलो अनाज और 1 किलो चना पे कोई जिंदा रह सकता है 1 महीने में? उसमें कोई दूध नहीं है, कोई चीनी नहीं है, कोई ऑयल नहीं है, कोई कैश ट्रांसफर नहीं है। और ये उस वक्त है, आप आंकड़ा बता दूं कि एक सर्वे के मुताबिक फरवरी से लेकर और अप्रैल के बीच में 46% हिंदुस्तानियों का जो इनकम है वो नीचे जा चुकी है, काफी नीचे जा चुकी है। यानी आपका लगभग आधा देश की इनकम घट गई है हाउस होल्ड की जी। एम्प्लॉयमेंट जो है वो 17% से ऊपर है, अनएम्प्लॉयमेंट 35% आपकी स्मॉल एंड मीडियम स्केल और 37% स्मॉल और माइक्रो
यूनिट बंद हो चुकी हैं, उन्होंने फैसला कर लिया कि वो चला नहीं तो सकते। आप कह रहे हैं जिस तरह से आर्थिक संकट से देश जूझ रहा है, उस बीच कोई बड़ी योजना की हमें उम्मीद थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा करते, लेकिन ना उम्मीद की हाथ लगी है। प्रोफेसर चिंतामणि भी हमारे साथ जुड़े हुए, सर आपके सवाल का मैं जवाब लूंगी। मैं कर दूं आपको कि आज ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने सिलसिलेवार रियल एस्टेट में क्या करेंगे, वो हाउसिंग में क्या करेंगे, सिलसिलेवार एक पॉलिसी अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, तो हमको उम्मीद थी कि चाइना के मामले में कुछ बोलेंगे और कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट ऐसे होंगे जो कि हमारे देश की जो अनएम्प्लॉयमेंट। सर आधे घंटे हम अभी है इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो भी संबोधन में पॉइंट्स रखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और सभी जो भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश भी रहेगी जो ओपनिंग ये आपके रिमार्क्स हैं तो बेहतर ये होगा संक्षेप में अपनी बात रखें ताकि सब तक मैं जल्दी जल्दी पहुंच सकूं। अब यहां कुर्बान अली जी काफी आप मुस्कुरा रहे हैं, आप ये बताइए आप भी अपेक्षा कर रहे थे कि चीन को लेकर कुछ बोलेंगे, जिस तरह से प्रशांत टंडन कह रहे हैं कि मैंने उम्मीद की कि सबसे बड़ी चिंता ये है और उस पर कोई रोशनी डालेंगे प्रधानमंत्री? कुर्बान अली जी आपकी ऑडियो हम तक नहीं मिल पा रही, आपके पास हम फिर से आने की कोशिश करेंगे, जो भी टेक्निकल फॉल्ट है उसको सुधारते हैं। यहाँ मिराज हुसैन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मिराज हुसैन जी, कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट किया गया है कि भाषणवादी बंद करें, एक्शन में आए, और बाकायदा राहुल गांधी ने तो शायराना ट्वीट भी किया है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा, किस ओर इशारा उनका है? मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को ये 5 किलो चावल और 1 किलो चने के बजाय वो पे जो चाइनीज ऐप ब्लॉक किए हैं उस पर जो है देश को संबोधित कर देना चाहिए था, वो ज्यादा बेहतर था बतौर इसके कि उन्होंने इस पर संबोधित किया कि 5 किलो चावल बटेगा। क्योंकि इसमें सवाल ये है कि जब हम प्रधानमंत्री को सुनते हैं या देश नाम संबोधन की बात आती है तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू का अनाउंसमेंट है, कोई ऐसे इशू का अनाउंसमेंट है जिससे देश में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, लेकिन इस तरह की बातें जो है वो बहुत ही नॉन सीरियस बना देती है अभिभाषण को। दूसरी चीज ये भी सही था कि योजना जो है ये नई योजना ला रहे थे, किसी एक योजना जिसको इन्होंने 20 करोड़ के पैकेज के टाइम पर दिया था उसका एक्सटेंशन था, तो एक्सटेंशन अनाउंस करने के लिए प्रधानमंत्री को आना मेरे बात समझ में नहीं आती है। उसमें मेरे भयंकर मित्र से मेरी बात हो रही थी फोन पे, तो उन्होंने कहा हो सकता है वो जो नया हेयर स्टाइल रखा हो काफी स्मार्ट लग रहा है उनके ऊपर वो दिखाने टीवी पर आ गए हो, तो ये जो सीरियसनेस है कि इस पर वेंट किया जा सके, ऐसी चीजें करने से बचना चाहिए एक इतने बड़े कद के नेता को, मेरे पहला बात है। दूसरी बात ये है कि आप 5 किलो जो है चावल या आटा दे रहे हैं और 1 किलो चना दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार 25-23 दिन से पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है, डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है, 80 रुपए के जो है लीटर डीजल और पेट्रोल बिक रहा है और दोनों की कीमतें बराबर हो गई है, तो एक तरफ से आप लूटेंगे और दूसरी तरफ 5 किलो चावल या आटा बांट देंगे तो इसे आप चिंतामणि से जवाब दीजिए, बिल्कुल नहीं कहते। ये कैसे फिर आप फायदा पहुंचा रहे हैं श्रमिकों को, मजदूरों को, गरीबों को कि आप कहते हैं कि नवंबर तक आपको मुफ्त हम अनाज देंगे लेकिन दूसरी तरफ आप डीजल पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, तो कैसे फिर किसान उपज करे अपने फसल की? ये सहायता की बात की, 80 करोड़ लोगों को 5 राशन मिले इसकी चिंता की, ये इनके लिए कोई महत्व की बात ही नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि इस पर गरीबों की भूख इनके लिए महत्व नहीं रखती है, गरीबों का जीवन इनके लिए महत्व नहीं रखता, इसी कारण वो कितने करोड़ गरीब हैं देश में इसका आंकड़ा दे दीजिए पहले, 80 करोड़ 125 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ को आप दे रहे हैं राशन, इस पर ही एक श्वेत पत्र लाना चाहिए, मीडिया को इस पर स्टिंग करना चाहिए। जो राशन कार्ड है और जो लेना चाहते हैं उसके लिए राशन कार्ड के पास मिले हैं, वो जो गरीब रेखा के नीचे, वो भी जो गरीब रेखा के नीचे नहीं आते काम करते, लेकिन आज काम नहीं है, आज रोजगार नहीं है, अगर ऐसे मिले लोगों को आपको अपने गांव लोग अपने आप संख्या पूछ रहे, आपको तथ्यों पर बात करना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री जी ने जो भी अगर देश में विपरीत परिस्थितियों में है परेशान है उसके लिए अन्न की व्यवस्था की है तो इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन ठीक है अच्छा कदम कहा जा सकता है जो एक्सटेंशन किया है, लेकिन यहाँ प्रशांत टंडन जी सवाल ये है कि क्या इम्प्लीमेंटेशन इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? अभी एक बहस है 80 करोड़ गरीब हैं क्या इससे भी ज्यादा गरीब हैं, ये इसका आंकड़ा देना चाहिए, खैर ये बहस अभी हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं
क्या जमीनी स्तर पर इसका फायदा उन लोगों को मिलता हुआ आपको लॉकडाउन के पीरियड में भी दिखाया नहीं? देखिए, अगर लॉकडाउन के पीरियड में नतीजा दिख रहा होता तो जो मैंने अभी आंकड़ा बताया आपको कि 46% हिंदुस्तानियों की इनकम, हाउस होल्ड इनकम जी बेतहाशा नीचे गिर गई है, तो इसका मतलब है, और ये अप्रैल से फरवरी से अप्रैल के बीच में हुआ है, यानी इसका मतलब है कि जो सरकार की योजनाओं का उनके इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। दूसरी बात कि 35% SME बंद हो चुकी हैं जी, 35% माइक्रो यूनिट बंद हो चुकी है। सर, आप ये अपनी बात रख चुके हैं, आप दोहरा रहे हैं अब, यानी कुल मिलाकर आपका कहना है कि जो भी ये एक्सटेंशन है ये नाकाफी है और भी बड़ी योजना यहाँ पर लानी जानी चाहिए थी। हमारे साथ अतुल अंजान जी जुड़े हुए, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सर, माफी चाहेंगे आपसे, CPI के नेता है। अतुल अंजान जी, 16 मिनट का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने भी सुना होगा, अब क्या मोटिव आपको दिखता है, क्या बताने की उनकी कोशिश रही आज के संबोधन में? सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि देश की जनता पर उन्होंने वज्राघात बंद किया। लगातार उनकी आदत है लंबी लंबी भाषण देने की और बेमतलब के भाषण देने की, और जिसके अंदर कुछ नहीं, हिंदी के शब्दों का इधर से उधर जुगाली करना। आज जरा उन्होंने अपनी बात को कम शब्दों में रखा है तो इसलिए देश की जनता के ऊपर जो सर पर हमले करते हैं वो कम किया। लेकिन सबसे बड़ी निराशा इस बात से हुई कि लोग ये 5 किलो के अनाज के बारे में नहीं जानना चाहते थे। लोग जानना चाह रहे थे कि चाइना के संबंध में जो बातचीत हुई, 3 विपक्षी दलों के साथ बातचीत हुई, दुनिया में जिस तरह की बातें, उनका उस पर दृष्टिकोण क्या है, ये बढ़ती हुई महंगाई के सिलसिले में क्या दृष्टिकोण है, ये जो लोगों की रोजगार चले गए इनके बारे में क्या है, खाली किसान भाइयों को जिंदाबाद करने से काम बनेगा? आपने क्या किया किसान भाइयों के लिए? देश के अंदर सिर्फ 16-18% MSP के तहत आपने गेहूं और खाद्यान्न खरीद लिया, बाकी सब बिचौलियों के हाथ बेचना पड़ा, खरबों खरबों रुपया लूट गया किसानों का, उस पर आप कुछ नहीं बोले। और आप बोले ये भी नहीं कि जो डीजल और महंगाई, आप ये समझ लीजिए कि 1 लीटर डीजल में एक भरा हुआ ट्रक पहाड़ी इलाके में सिर्फ 1.5 किलोमीटर चलता है जी। इसलिए सारा सामान इस देश में 70% सामान ट्रकों से शहरों से गांव तक और एक रिमोट एरियाज में जाता, वहाँ ट्रेन का सामान नहीं पहुंचता, उसके चलते महंगाई बढ़ गई, दवाइयों के दाम बढ़ गए। कुर्बान अली जी के पास मुझे जाना होगा। अतुल जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। कुर्बान अली जी, चूंकि आपको पहले मौका भी मिला लेकिन अफसोस ये है कि आप तक आवाज वो पहुंच नहीं पा रही थी। अब आपसे मेरा सवाल है, कई लोगों के मन में ये भी उठ रहा है सवाल कि जो एक्सटेंशन जो कर दिया गया है इस योजना का, जो कि अन्न योजना, गरीब कल्याण योजना का हिस्सा है, नवंबर तक किया गया है और नवंबर में ही बिहार के चुनाव हैं, क्या पॉलिटिकल इंटेंट आपको इसमें नजर आ रहा है? बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, ये सिर्फ बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर के। आपने अभी जो प्रधानमंत्री की क्लिप सुनवाई उसमें उन्होंने छठ पूजा और दिवाली का जिक्र किया, तो दिवाली तो पूरे देश में मनाई जाती है लेकिन छठ तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाई जाती है। तो इस मामले में कोई ये ढकी छुपी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी जो कहना चाह रहे थे वो साफ आया था। मसला ये है कि 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया ये लॉकडाउन चलते हुए, और उन 45 करोड़ लोगों के लिए जिनके पास 2 जून की रोटी का इंतजाम नहीं है, जिसके बारे में अभी नेता विपक्ष राहुल गांधी भी कह रहे थे कि 7,500 रुपए जाने चाहिए, यानी 7,500 रुपए में एक परिवार गुजारा करेगा, कितना करेगा उसको आटे दाल का भाव शायद मालूम है कि नहीं है, लेकिन वो कम से कम है मतलब जिंदा रहने के लिए। और अगर उसका भी इंतजाम आप ना कर सके तो फिर इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई और हो नहीं सकती। हम दावा करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का, सबसे पुरानी सभ्यता होने का, और तमाम तरह की बातें हम अपने बारे में करते हैं, लेकिन हमारी हालत ये है कि आज जो चित्र आ रहे हैं वो ये है कि आदमी अपनी भूख के लिए मरे हुए कुत्ते का मांस खा रहा है, इससे बड़ी शर्मनाक बात और कोई हो नहीं सकती। चिंतामणि जी, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आपको, जवाब देना चाहेंगे चिंतामणि जी कि आखिरकार ये जो योजना आपने जिक्र कर दिया, एक्सटेंशन कर दिया है नवंबर तक, असल में ये बहाना था और बिहार के चुनाव पर निशाना था?
देखिए केवल ये आलोचना के लिए आलोचना है, अगर स्वस्थ लोकतंत्र में तो अच्छा जो भी कदम है उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे तमाम प्रतिपक्षी जो है वो केवल पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, वो केवल उन्हें सरकार की आलोचना करना है और तमाम तरह के आंकड़े लगाकर के आलोचना करना है। वो राहुल गांधी जी की राह पर जाके 7,500 रुपये प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति को दे दीजिए, प्रत्येक परिवार, गैर जिम्मेदाराना बात है। जो सरकार होती है, सरकार अपने सिस्टम से काम करती है, कैसे व्यक्ति तक मदद पहुंचाई जा सकती है, कैसे उसको सांत्वना दी जा सकती है, कैसे, अब बताइए कि मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप कुत्ते खाने की बात तो ये तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ये तो कहीं आया नहीं, लेकिन आप कुत्ता भी खाता हुआ देख लिया है। ये इस तरह का मतलब बेसिर पे की बातें हैं और केवल आलोचना करना सरकार की, मुझे तो लगता है अगर थोड़ी भी नैतिकता है और अगर न्याय बुद्धि है तो स्वागत करना चाहिए कि चलिए 80 करोड़ लोगों को अगर प्रति माह उन्होंने 5 महीने तक की राहत दी है तो स्वागत होना चाहिए। क्या नहीं दिया, अगर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है तो खबर होगी, पूरी जानकारी ले लेते हैं ना। कुर्बान अली जी बताइए। नहीं, असल में बीजेपी के लोगों की दिक्कत ये है कि उन्हें हर आदमी जो उनसे सवाल करे वो प्रतिपक्षी नजर आता है, मीडिया सवाल ना करे, वो जो कह रहे हैं आंख की पट्टी बांध करके और हम थाली बजाने और दिए जलाने का काम करते रहें, लोकतंत्र के मायने ये हैं चिंतामणि जी। और अगर कोई आपसे सवाल करे और सरकार की आलोचना करे, अरे हम कोई हथियार तो उठा नहीं रहे आपके खिलाफ, आपकी आलोचना ही कर रहे हैं, आलोचना भी नहीं सुनेंगे आप, और आप 3 महीने से जो कर रहे हैं आलोचना और ये जो लाखों करोड़ों लोग गए हैं पैदल चलते हुए 1,000 किलोमीटर दूर, उनका जो हश्र हुआ है आपकी समझ में नहीं आएगी चिंतामणि जी, क्योंकि आप तो पूर्व सांसद हैं, आपको पेंशन भी मिलती है, रेल का फ्री टिकट भी मिलता है और बहुत सारी भी सुख सुविधाएं मिलती हैं, आपको हेल्थ की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गरीब आदमी को आज जो उम्मीद कर रहे हैं क्या वो गरीबों के लिए काफी है? क्योंकि लगातार इकोनॉमिस्ट, चिंतामणि जी मैं आपको पूरा मौका दूंगी, एक ब्रेक के लिए रुकना है, इकोनॉमिस्ट लगातार ये कह रहे हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि जरूरत यहाँ पर गरीबों के लिए ये है कि उनके खाते में डायरेक्ट कैश आप पहुंचाएं, आखिरकार सरकार इससे क्यों बचती है। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे जिस तरह से अभी बहस में एक बात निकल कर आई कि चीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में आज कुछ क्यों नहीं कहा, जबकि देश ये उम्मीद कर रहा था कि चीन को लेकर कोई एक्शन प्लान शेयर कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-2602। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनीति में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का जिक्र करने के साथ साथ उसके मायने हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेराज हुसैन पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेराज जी, आप आज भी राहुल गांधी को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होने वाला था, उससे पहले उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा था कि हम ये मांग करते हैं सरकार से कि डायरेक्ट जो कैश है वो गरीबों के खाते में ट्रांसफर करे और 6 महीने तक 7,500 रुपए दे। राहुल गांधी ही नहीं, विपक्षी दल ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी ये मांग करते रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसा नहीं हुआ। सरकार के क्या एजेंडे में ये है नहीं, और अगर नहीं है तो उसके पीछे आपको क्या सोच दिखती है? देखिए, आप अभी इस डिबेट में राहुल गांधी को 1 मिनट हटा दीजिए। सिंपल सा फैक्ट ये है कि जब भी देश का प्रधानमंत्री कोई संबोधन करता है तो मामला बहुत ही संवेदनशील और उसके एक एक शब्द जो है वो बहुत कपे तुले होने चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि उन्होंने अभी पिछले संबोधन में कहा था कि चीन का तो नाम नहीं लिया था, लेकिन कहा था ना कोई अंदर गया ना कोई बाहर आया। बाद में MEA को यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को उस पर जो है एक क्लैरिफिकेशन जारी करना है कि आपने प्रधानमंत्री को गलत समझ लिया। तो ऐसे ही अगर प्रधानमंत्री का दिल साफ है और प्रधानमंत्री वाकई गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि देश जो है, हम बचपन से किताबों में पढ़ते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है,
और कृषि प्रधान देश में उसकी अर्थव्यवस्था को सही रखने के लिए डीजल में सब्सिडी बहुत जरूरी है। और इस वक्त जो है अब जो है सीजन आ रहा है बुआई रोपाई का और फिर उसके बाद कटाई का, सब में जो है वो डीजल का खपत होगी, तो उस डीजल की इतनी 80 रुपए का जो डीजल बिकेगा तो किसान तो ऐसा ही मर जाएगा, जिसका हालत पहले से खस्ता थी। आप किसानों की आत्महत्या का रेट उठा के देखिए तो कहां था। अब आप अगर ये कहते हैं कि 5 किलो चावल में किसान बच जाएगा, तो एलपीजी सिलेंडर इतना महंगा, डीजल इतना महंगा, गैस इतनी महंगी, जो संसाधन है वो इतने महंगे, इन्फ्लेशन देश में इतना ज्यादा, आप कह रहे हैं एक हाथ से ले रहे हैं और एक हाथ से देने की कोशिश कर रहे हैं, ये फॉर्मूला सरकार का है। एक चीज जी जल्दी से बात करके, तो गंगाम जी के पास मुझे जाना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आंकड़े कुछ भी सरकार दे, जैसे 20 लाख करोड़ का पैकेज जब दिया सरकार ने, तो उसको जब आपने तोड़ा तो समझ में आया कि 20 लाख करोड़ का एक बहुत ही मिनिमम जो है जो पैसा था, यानी 1.5 लाख करोड़ के करीब वाकई दिया गया, बाकी लोन की बात हो रही है। जब आदमी भूखा मर रहा है तो 20 लाख करोड़ का लोन लेने थोड़ी जाएगा। ऐसे ही आप ये बताइए, अगर आप ये कह दें कि 80 करोड़ लोगों को हमने चावल दे दिया, इसकी क्या आंकड़ा है, क्या डिफिनेशन है। और एक आपत्ति भी मुझे है, मैं वो भी कह दूं पहले अपने भाजपा प्रवक्ता, उसका जवाब जरूर दें, कि प्रधानमंत्री ने सभी त्योहारों के नाम लिए, लेकिन बीच में ईद उल अजहा भी आ रही है अगस्त में, उसका नाम प्रधानमंत्री ने नहीं लिया, वो नवंबर में छठ तक भी मनाए गए, लेकिन प्रधानमंत्री धर्म की वजह से ईद का नाम उनको लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, ये भी वो जरूर बताया। ठीक है चिंतामणि, आपके सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन उससे पहले अतुल अंजान जी, यहाँ पर सारी चीजों को मुझे सम्मिलित करना है, जो कि वाइंड अप का भी वक्त हो रहा है। चीन को लेकर लगातार यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि जो सच्चाई है, जो स्पष्ट तस्वीर है, वो देश के सामने नहीं रखी जा रही है। आज भी उम्मीद की जा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर रोशनी डालेंगे, अगर नहीं डाली गई है तो उसके पीछे आप क्या वजह समझते हैं, और क्या वाकई आपको लगता है कि आज कमांडर लेवल की जो मीटिंग थी उसके मद्देनजर शायद इस बात को नहीं जिक्र किया होगा प्रधानमंत्री ने? देखिए एक बात समझिए, भारत और चीन के रिश्तों के संबंध में इसमें कोई बहस नहीं है कि चीन ने 1962 में एक बड़ी हिस्सा हमारे भूभाग का, कोई 38,000 किलोमीटर उस पर हम कब्जा कर रखा है। मैकमोहन लाइन का फैसला नहीं हो पाया, अंग्रेजों ने उस समय के तत्कालीन चीनी राजाओं के साथ क्या बातचीत की, छोड़िए सब बात को, लेकिन ये सही है कि हमारी जमीन उनके पास है, उसे ले। लेकिन पुरानी बातों को कह कह करके आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या भूल जाते हैं कि जब जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो कारगिल के अंदर कितनी दूर अंदर तक हमारे 26 किलोमीटर तक सेना चली आई पाकिस्तान की, चीन की हमको पता नहीं लिया, वो तो शिफर से गढ़िए थे, उन्होंने भारत सरकार को बताया, और 1000 हमारे सैनिक जवानों की शहादत के बाद हम उस बोफोर्स तोर्स के बहाने ही बहाने उस इलाके को जीत सके। आज दूसरी बात है चीन की, चीन अगर ये है, चीन इस देश के अंदर जितने प्रधानमंत्री हुए, नरसिम्हा राव एक बार गए, जवाहरलाल नेहरू गए एक बार चीन, इंदिरा गांधी गई एक बार चीन, राजीव गांधी गए एक बार चीन, और चंद्रशेखर जी नहीं गए, वीपी सिंह नहीं गए, गुजराल जी नहीं गए, देवगौड़ा जी नहीं गए, लेकिन सबसे ज्यादा चीन जाने वाला यही प्रधानमंत्री हमारा है, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 5 बार मुख्यमंत्री की हैसियत से, 4 बार प्रधानमंत्री की हैसियत से, कभी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने चीन के लोगों को झूला नहीं झुलाया था, पहली बार सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके दिल्ली आने की शिपिंग को ले जाकर आप झूला झुलाए थे, तो फिर इस तरीके से संबंध क्यों खराब हो गए सर, क्यों ये सीमा विवाद सुलझ नहीं रहा है जबकि 70 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है। ये बोलना बेईमानी है, कम्युनिस्ट उस समय चीन के साथ खड़े थे, जितनी कम्युनिस्ट पार्टी है इन्होंने देश के साथ गद्दारी की, एक समर्थन चीन को दिया और यहाँ पर आंदोलन करने का, चाइनीज को जितने कम्युनिस्ट ने बोलने का अधिकार नहीं है कि चीन के मामले में बोले, चीन का समर्थन करने के दूसरा, और मोदी जी चाइनीज समझौता मोदी जी ने सवाल है, जब भी हम इस तरीके के मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं, जवाब मांगने की कोशिश करते हैं, कि विपक्षी दल या पत्रकारों को ये अधिकार नहीं है कि क्या संकट है, क्या सीमा विवाद है, उसकी असल तस्वीर उन तक समझे पहुंचे और ये पता लगाया जा सके कि सरकार आखिरकार कैसे निपट रही है। जी देखिए, देश के हर नागरिक का अधिकार है कि वो अपनी सीमा की सुरक्षा के बारे में सरकार क्या कर रही है उसको जानने का हक देश के हर नागरिक का, देश हर नागरिक का है। सरकार का जिम्मा सीमाओं की सुरक्षा और देश को चलाने का है, ये देश की जनता ने लोकतंत्र में उनको आउटसोर्स किया हुआ है। ये कोई राजा रजवाड़े का मसला नहीं है कि हम देख रहे हैं,
देश की जनता को बताना पड़ेगा। रोज देश की जनता अखबारों से, सोशल मीडिया से सैटेलाइट की पिक्चरें देख रही है, सैटेलाइट की तस्वीरों में आ रहा है कि वो से वो चीनी राष्ट्रवाद राष्ट्रीय संप्रभुता के नाम पर तो चुप करा दिया जाता है, देशद्रोही का तक टैग दे दिया जाता है। उम्मीद ना करें, पहली बात। दूसरी चीज सुनिए, प्रशांत जी मैं आपके पास आऊंगी जी। अभी आपने देखा कि जब अतुल अंजान बोल रहे थे तो चिंतामणि जी को ये याद आ गया कि कम्युनिस्टों का क्या रोल था। अरे उसमें लानत भेजिए ना, बाहर में जाए कम्युनिस्टों का क्या रोल था, आज आपका क्या रोल है। आज सैटेलाइट के जरिए से ये एस्टेब्लिश हो गया कि एक किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर सीमा के अंदर चीनी सैनिकों ने आकर के हमारे भारतीय सैनिकों को मारा है, और आपको शर्म नहीं आती, आप बेशर्मी के साथ इसे डिफेंड करते हैं। आपका प्रधानमंत्री कुछ बयान देता है, आपका चीन में राजदूत कुछ बयान देता है, और आप देश को गुमराह करते हैं और उसके बाद में मंत्रमुग्ध होते हैं। चिंतामणि जी जवाब दीजिए, चिंतामणि जी। कुर्बान अली साहब, सेना का काम सेना करती है और सेना को फ्री हैंड देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आप ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वहां प्रधानमंत्री लड़ेगा, सेना अपनी राजनीति से लड़ेगी, और आप क्या चाहते हैं कि बगैर तैयारी के सेना कूच कर दे, बगैर सेना के तैयारी के सेना फायर खोल दे ताकि हमारी सेना जो है बगैर तैयारी के ज्यादा उसको नुकसान हो। सेना की रणनीति सेना तय करती है, और बांग्लादेश के युद्ध को याद कीजिए, उस समय सही बात है, अपनी सेना पर पूरा विश्वास है, सरकार पर भी विश्वास है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही है कि आखिरकार सरकार कैसे निपट रही है। क्या यह जानना देशवासियों का, विपक्ष का, पत्रकारों का अधिकार है? नहीं। चिंतामणि जी मेरे पास वक्त इतना ही, महराज हुसैन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति में आज के लिए इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।